हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मेकिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को ये दो कलर में सुंदर सा डिजाइन बना करके दिखाने वाली हूँ। तो आज मैं आप सभी को ये दो कलर में डिजाइन बना करके दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये खूबसूरत और सुंदर सा ये डिजाइन बनाना। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैं एक सिलाई पर बॉर्डर बना ली हूँ कुछ, और इस पर मैं ये डिजाइनिंग बनाना स्टार्टिंग करती हूँ। आप जो भी कार्डिगन में इस डिज़ाइन को डालना चाहते हैं उसमें आप अपने चॉइस के हिसाब से बॉर्डर बना लीजिए, और बॉर्डर बनाने के बाद आप इस डिजाइनिंग को उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ बॉर्डर बना ली हूँ और इस पर मैं ये डिजाइनिंग अप्लाई करती हूँ। दोस्तों, ये डिजाइनिंग जो है सीधी साइड से स्टार्टिंग करना है। ये देखिए, मैं यहाँ बॉर्डर बना ली हूँ, उसके बाद ये लाल कलर वाला ऊन मैं ले ली हूँ और बनाना स्टार्टिंग करती हूँ। ये साइड वाला स्टिच है दोस्तों, तो ये साइड वाला स्टिच को मैं सीधा बना लेती हूँ। दोस्तों, आप कलर कॉम्बिनेशन जो है आप अपने चॉइस के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। यहाँ मैं ये दो कलर में बना करके आप सभी को दिखा रही हूँ। दोस्तों, जब भी आप इस डिजाइनिंग को बनाएं तो आप ये ध्यान रखें कि ये तीन तीन फंदे के मल्टीपल में डालें सिलाई पर फंदे। तो इससे क्या होगा, ये तीन फंदे से एक डिजाइन बनता है। ये देखिए, तीन फंदे में मैं सिलाई डाल करके एक फंदे यहाँ निकाली हूँ। एक बार इस धागे को ऐसे करके लूप डालना है, फिर पुनः इस तीनों फंदे में सिलाई डाल करके एक फंदा बना लेना है। तो ये देखिए, साइड वाला स्टिच को छोड़ के तीन फंदे से तीन फंदे हो चुके हैं। तो फिर पुनः क्या करना है, ये तीन फंदे में सिलाई को डालना है और एक फंदे ऐसे करके निकाल लेना है, फिर एक बार ऐसे करके लूप डालना है, फिर तीन फंदे में सिलाई डाल करके एक फंदे ऐसे करके निकाल लेना है। दोस्तों, ऐसे ही पूरी सिलाई बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो ये पहली सिलाई है सीधी साइड से, तो पहली सिलाई सीधी साइड से मैं पूरे फंदे को ऐसे ही बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ। तीन फंदे में पहले सिलाई डाल करके एक फंदे निकाल लेना है, एक बार ऐसे करके इस पर लूप डालना है, फिर तीन फंदे में सिलाई डाल करके एक फंदे ऐसे करके बना लेना है। तो ये हो चुका, ऐसे ही करते हुए जाना है। बहुत ही सुंदर सा ये डिजाइन है और दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है, और बनाने में बहुत ही आसान है। ये तीन तीन फंदे के मल्टीपल में ये डिजाइन जो है बनता है। तो ये देखिए, हो चुका तीन फंदे से तीन फंदे। तो ऐसे ही पूरी सिलाई बना करके कंप्लीट करना है। ये लास्ट में मैं आ चुकी हूँ तो बना लेती हूँ, उसके बाद मैं उल्टी साइड से कैसे बनाना है वो दिखा रही हूँ। ये साइड वाला स्टिच है तो इसे भी मैं बना देती हूँ। ये देखिए, पूरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकेंड रो उल्टी साइड से आ चुकी हूँ, तो ये साइड वाला फंदा है, तो आप इसे स्लिप कर लीजिए या सीधा उल्टा कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये तीन फंदे जो हैं तो ये दो फंदे को उल्टा बना लेना है, एक और ये दो, और ये तीन फंदे के ये साइड वाला स्टिच है और ये तीन फंदे के ये साइड वाला स्टिच है। तो ये दोनों को देखिए क्या करना है, पहले इसे छोड़ करके इसे बनाना है शुरू वाले फंदे को, फिर इस फंदे को ऐसे करके इसे मैं बना ली हूँ, उसके बाद ये शुरू वाले फंदे को मैं बना लेती हूँ। ये शुरू वाले फंदे को तब बनाना है और दोनों को स्लिप कर देना है, फिर एक फंदे को, ये तीन फंदे से एक फंदे तो बन चुका है और ये दो फंदे बचा है, तो ये बीच वाले फंदे को बना लेना है, और ये दोनों फंदे में पहले इस फंदे को बनाना है और उसके बाद इस फंदे को शुरू वाले फंदे को बनाना है, इसे स्लिप कर लेना है, फिर एक फंदे ये बीच वाला फंदा है तो इस बीच वाले फंदे को पहले उल्टा बना लेना है, उसके बाद ये दोनों फंदे में पहले इस फंदे को बनाना है शुरू वाले फंदे को अब बनाना है। तो ये मैं बना ली हूँ, उसके बाद इस फंदे को बना लेती हूँ। देखिए, हो चुका, अब एक फंदे को बना लेना है, उसके बाद ये दोनों फंदे में पहले इस फंदे को बनाना है और उसके बाद ये शुरू वाले इस फंदे को मैं बना ली हूँ, उसके बाद ये शुरू वाले फंदे को बना लेती हूँ और दोनों फंदे को स्लिप कर देना है, ये फंदा बना लेना है। उसके बाद ये साइड वाला स्टिच है और ये एक फंदा बचा है और ये साइड वाला स्टिच है, तो ये दोनों को बना लेना है उल्टा। तो ये पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ,
ये देखिए कुछ इस तरीके से ये डिजाइन बन के तैयार हुआ है। तो अब इसमें दूसरा कलर ऐड कैसे करना है वो मैं दिखाती हूँ। नीचे में ये जो बेसिक कलर है इसे डालना है। तो इसे एक फंदे को सीधा बनाना है और तीन फंदे में सिलाई को डालना है। तीन फंदे में ऐसे करके सिलाई डाल करके तीन फंदे बना लेना है। एक फिर एक बार ऐसे करके लूप डालना है और फिर इसमें सिलाई डाल करके ऐसे करके बना लेना है। ये तीन फंदे से तीन फंदा हो चुका है। तो ऐसे ही पहली सिलाई बना करके पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों ये दो ही सिलाइयों का डिजाइन है। इसमें दो सिलाइयों के बाद कलर चेंज करके फिर पुनः वही दो सिलाइयाँ बनानी है। ऐसे तो ये दो ही सिलाइयों में बनता है बट ये कलर चेंज कर करके बनता है। दो सिलाइयों में एक डिजाइन बनता है फिर कलर चेंज करने के बाद दो सिलाइयों में फिर पुनः एक डिजाइन बनता है। तो ये बहुत ईजी सा ये डिजाइन है, झटपट से बन के तैयार हो जाता है और दिखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए तीन फंदे में ऐसे करके सिलाई को डालना है और तीन फंदे से तीन फंदे बना लेना है। एक बार ऐसे करके लूप डालना है फिर पुनः ये तीनों फंदे में सिलाई डाल करके एक फंदा बनाना है। तो ऐसे ही पूरी सिलाई बना करके कंप्लीट करना है। ये देखिए मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ और चौथी सिलाई में आ चुकी हूँ। तो चौथी सिलाई में क्या करना है, ये साइड वाला फंदा है इसे मैं उल्टा बना लेती हूँ। उसके बाद देखिए ये तीन फंदे से तीन फंदे मैं बनाई हूँ वो वाला फंदा है। तो ये दोनों फंदे को पहले उल्टा बना लेना है और ये साइड वाला फंदा और ये साइड वाला फंदा में पहले ये फंदा को बनाना है उसके बाद इस फंदे को बनाना है। तो एक बार मैं दिखाती हूँ, ये शुरू में दो फंदे को उल्टा बना लेना है। उसके बाद देखिए पहले इस फंदे को उल्टा बनाना है उसके बाद ये शुरू वाले फंदे को उल्टा बनाना है और दोनों को स्लिप कर देना है। और तीन फंदे में एक फंदा तो बन चुका है और ये बीच वाला फंदा है तो इसे मैं उल्टा बना लेती हूँ। और ये दोनों साइड वाले फंदे में पहले इस फंदे को बनाना है उसके बाद देखिए ये शुरू वाले फंदे को बना लेना है। तो हो चुका, फिर एक फंदे को उल्टा बनाना है और उसके बाद एक फंदे को इसे उल्टा बनाना है उसके बाद ये शुरू वाले फंदे को उल्टा बनाना है। तो बस ऐसे ही पूरी सिलाई बनाते हुए कंप्लीट करना है। बहुत ही आसान सा ये टूरों का डिजाइन है दोस्तों। तो ये दो ही सिलाइयों में बन के तैयार हो जाता है। तो ये मैं सीधी साइड से इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये देखिए दोस्तों ये दो डिजाइन बनने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है। मात्र यहाँ मैं दो ही डिजाइन बनाई हूँ और चार सिलाइयाँ बना करके मैं आप सभी को दिखाई हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसी टूरों को आपको बार बार बनाते हुए कंप्लीट करना है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ मैं दो डिजाइन और बना ली हूँ और टोटल ये चार डिजाइन मैं बना ली हूँ। तो दो डिजाइन मैं आप सभी को बना करके दिखाई हूँ और दो डिजाइन मैं बना करके पुनः फिर मैं आप सभी को चार डिजाइन में दिखा रही हूँ। और ये कितना प्यारा है डिजाइन दिखने में लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। ये दो सिलाइयों का डिजाइन है और तीन तीन फंदे के मल्टीपन में बनता है। दोस्तों आपको इस डिजाइन में एक बात का ध्यान रखना है, जिस भी कार्डिगन पर आप इस डिजाइनिंग को डालना चाहते हैं उसमें कुछ फंदे बढ़ा करके दीजिए। इससे क्या होता है ये डिजाइन जो है थोड़ा सिकुड़ता है। तो ये देखिए नीचे में मैं जितना फंदे डाली थी उतना ही फंदे में मैं ये डिजाइन बनाई हूँ। तो नीचे में कितना बड़ा लग रहा है, ऊपर में ये छोटा लग रहा है। तो आप जिस भी कार्डिगन पर इस डिजाइन को डालना चाहते हैं उसमें आप 10-15 फंदे बढ़ा करके डालें तो अच्छा रहेगा। ये डिजाइन जो है सिकुड़ता है थोड़ा। तो और ये बहुत ही ईजी भी है और दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। ये दो दो सिलाइयों का डिजाइन है दोस्तों। तो इसमें आप एक कलर में भी बना सकते हैं और दो कलर में भी बना सकते हैं। ये दो कलर में बहुत ही प्यारा लगता है। आप बच्चे का स्वेटर बनाइए, गर्ल बॉयज कोई भी कार्डिगन में आप इस डिजाइनिंग को डाल सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप सभी को ये खूबसूरत सुंदर और आसान सा डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि कोई नए हैं चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मैं लेटेस्ट और नए नए और आसान सा सुंदर सा डिजाइन लेकर के आऊँ, वो वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और सबसे पहले आप देख सके और बना सके। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट डिजाइन और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।